नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर अब तक की तमाम खास हलचलों पर। चार परीक्षाओं के आधार पर होंगी 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। अनुकूल परिस्थितियां होने पर ली जाएंगी विज्ञान की परीक्षा। जिला शिक्षा अधिकारी ने ली बैठक, बच्चों के परीक्षा परिणामों और आगामी क्लासेस को लेकर की चर्चा। लॉकडाउन के चलते शहर में पेयजल सप्लाई की नहीं होगी कोई किल्लत। जन स्वास्थ्य विभाग कर सकता है 200 करोड़ लीटर पानी स्टोर। मंगलवार सुबह सब्जी मंडी में पपीता शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत, दो घायल, पुलिस जुटी जांच में। जिला ब्राह्मण विकास परिषद ने जरूरतमंदों की मदद के लिए दान किए 31,000 रुपए। नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने सफाई कर्मचारियों को फूल मालाएं पहनाकर व नकद राशि देकर किया सम्मानित। रिटायर्ड पुलिसकर्मी एसोसिएशन ने ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मचारियों को किए फल वितरित। भिवानी हलचल की टीम पहुंची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, लॉकडाउन के हालातों पर डाली नजर। गणमान्य लोगों ने की घर में रहने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए विभाग का बड़ा फैसला आया है। 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों का चार परीक्षाओं के आधार पर परिणाम बनाया जाएगा और 10वीं कक्षा के विज्ञान की परीक्षा परिस्थितियां अनुकूल होने पर ली जाएगी। इस विषय पर क्या कहना है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का, आइए सुनते हैं। 10वीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों की चार परीक्षाएं हो चुकी हैं, उन चार परीक्षाओं के आधार पर ही परीक्षा परिणाम बनाया जाए और पांचवी परीक्षा जो विज्ञान विषय की है वो बाद में जब कभी समय होगा ले ली जाएगी। तो बोर्ड ने उसी अनुरूप तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं कि चारों परीक्षाओं की मार्किंग कराते हुए 400 अंकों में से जो विद्यार्थी जितने प्रतिशत भी अंक प्राप्त करेंगे उसके अनुसार उनका रिजल्ट बना दिया जाएगा। लेकिन जब परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी उस समय विज्ञान की ये जो परीक्षा रह गई थी उन विद्यार्थियों की ले ली जाएगी। कुछ संस्कृत वाले अध्यापकों से भी निवेदन प्राप्त हुए हैं कि बेस्ट फाइव बोर्ड जोड़ता था और संस्कृत में बच्चे 100 अंक के अंक लेते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो ऑप्शनल की परीक्षा देना चाहेंगे जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो उस अनुसार वो ऑप्शनल की परीक्षा भी ले ली जाएगी। और 12वीं की परीक्षा के बारे में अभी निर्णय हुआ नहीं है, जब निर्णय होगा तो सूचित कर दिया जाएगा। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और अमूमन इस समय तक बच्चों के स्कूल्स का नया सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। लॉकडाउन के कारण इस बार स्कूल बंद है और बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या असर हो सकता है? विभाग द्वारा जिले के बच्चों के रिजल्ट और आगामी कक्षाओं को लेकर क्या तैयारियां हैं, जानते हैं जिला शिक्षा अधिकारी से। मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह द्वारा विभागीय कर्मचारियों के साथ बच्चों के परीक्षा परिणामों और आगामी क्लासेस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।
वहीं जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि देश की संकट की घड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है तथा नौवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 10 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम सरकार के आदेशानुसार बाद में घोषित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि लॉकडाउन की समय सीमा निर्धारित समय से आगे बढ़ती है तो वे बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे। नौवीं के बच्चों के हमने ऑलमोस्ट रिजल्ट तैयार कर लिया है। एग्जाम पहले ही हो चुके थे, 19 तारीख को जब हमने आगे के पेपर पोस्टपोन किए उससे पहले 9th के सभी पेपर हो चुके थे और हमारे सभी टीचर्स ने रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया है, उसको हम 10th अप्रैल को डिक्लेयर करेंगे। और 10वीं के बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है? 10वीं के बच्चों के लिए बोर्ड फैसला लेगा क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षाएँ होती हैं, तो इस बारे में चेयरमैन साहब से आप बात करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। उसके लिए हमने आज सभी बीओज की मीटिंग ली है और हमने एक आने वाले समय में यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए आज हमने प्लान किया है और ये प्लान कुछ दिन में प्लान आपको पेपर में भी हम आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार से ग्रुप्स बना के हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का ग्रुप, फिर ब्लॉक लेवल का ग्रुप हमारे टीचर्स का, फिर CRC जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होते हैं और फिर टीचर्स का ग्रुप और टीचर्स फिर बच्चों का ग्रुप बनाएंगे और हम ऑनलाइन सारी आने वाले समय में बच्चों को एजुकेशन देंगे। अगर बात करें तो उनका रिजल्ट आप उनको कैसे बताएंगे? उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएंगे, बच्चों के हमारे पास नंबर है मोबाइल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, उनको हम उनके मार्क्स या रिजल्ट हम उनको। और पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चे भी हैं जो कि अपनी परसेंटेज देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपने कुछ प्लानिंग की है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए? रिजल्ट डिक्लेयर तो सभी आगे प्रमोट हो गए हैं, वो CM साहब ने भी अनाउंस कर दिया था, हम भी सेम उसी पैटर्न पे अनाउंस करेंगे। और क्योंकि मार्क्स का तो फिर जो हमारा सेट का जो एग्जाम रहा है वो उनको पहले से पता है, एनुअल एग्जाम हुआ नहीं तो बच्चे उस बारे में पहले से जानकारी है उनके पेरेंट्स को। एक तो लॉकडाउन के चलते सबका घरों में रहना जरूरी, ऊपर से गर्मी के मौसम की शुरुआत, ऐसे में पीने के पानी की किल्लत होना लाजमी है। लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के SDO ने शहर वासियों को चिंता ना करने की बात कहते हुए पेयजल सप्लाई में कमी ना होने की बात कही। गर्मी का आगाज, ऊपर से शहर में लगा लॉकडाउन, ऐसे में जन स्वास्थ्य विभाग ने पेयजल सप्लाई को लेकर शहरवासियों को आश्वासित किया गया है कि इस संकट की घड़ी में शहरवासियों को पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। यह कहना था जन स्वास्थ्य विभाग के SDO जय भगवान चोपड़ा का। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी शहर की तकरीबन 3.5 लाख की आबादी में शहरवासियों को प्रतिदिन 4500 लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है। आपको बता दें कि 99 बूस्टर से भी करोड़ों लीटर पानी लिया जा रहा है। वहीं भिवानी बूस्टिंग भी 200 लीटर पानी स्टोरेज की क्षमता रखता है। उनका कहना था कि संकट की घड़ी में शहरवासियों को पेयजल की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। पानी हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की नहर में पानी आ चुका है, आज 24 घंटे हो चुके हैं। 2 ऑटो 99 और डाबर पर पानी फुल है। यहाँ 80 रोड पर थोड़ा कम, मेन रोड पर कम था, पानी कम हो गया था, ख़त्म नहीं हुआ था, वहाँ पानी पहुँच गया है और बिल्कुल पानी कोई समस्या नहीं रहेगी आने वाले 24 दिन, आराम से चलेगा पानी। फिल्ट्रेशन प्लांट है, पंपिंग सेट है, सब हमारे सही चल रहे हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन भिवानी की लगभग ये मान के चलो आप 2.5 लाख पॉपुलेशन है, 2.5 लाख पॉपुलेशन पर हम लगभग 4.5 करोड़ लीटर पानी डेली सप्लाई करने लग रहे हैं। 150 लीटर लगभग एक आदमी को हम दे रहे हैं और हमारे पास लगभग स्टोरेज कैपेसिटी है ये मान के चलो 200 करोड़ लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी है भिवानी के लिए, जो आराम से सफिशेंट है, 24 दिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहर नहीं आएगी। सारी हमारी 20 MLD ओल्ड वाटर है जो महम रोड पे है, 20 MLD का 99 वाटर पे है, 30 MLD डाबर पे है, इस तरह मिला के 70 MLD का मतलब है 70 MLD, 1 MLD में 10 लाख लीटर होते हैं, 770 लाख लीटर पानी की हमारे पास ट्रीटमेंट की कैपेसिटी है। मंगलवार अलसुबह नगर की सब्जी मंडी में एक हादसा घटित हुआ। इस हादसे में टीन की शेड गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। यह हादसा पपीते के गोदाम में घटित हुआ। सब्जी मंडी में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा होने से एक प्रवासी मजदूर की मौत तथा 2 लोग बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं तुरंत घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया तथा तुरंत इसकी सूचना सब्जी मंडी चौकी में दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडी में 14 नंबर दुकान में 3 मजदूर पपीता गोदाम में पपीता लगा रहे थे, तो अचानक शेड गिरने से 3 मजदूर विक्रम, रामनेक व मोहम्मद इस्बाल इसके नीचे दब गए तथा जब इन 3 को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां मजदूर मोहम्मद इस्बाल दरभंगा बिहार निवासी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर घायलों के बयान पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। सुशील कुमार शर्मा, सुशील लोटा के नाम से, सब्जी मंडी प्रधान, दुकान नंबर 20, जो कि सब्जी मंडी में दुकान नंबर 14 पे बाहर से बिहार से आए मजदूर काम कर रहे थे, जो गाड़ी से पपीता उतार रहे थे और पपीता ऊपर लगा रखा था, तो अचानक एक फटा टूट गया और ऊपर से जो है सारी गाड़ी का पपीता नीचे पड़ गया, दबने से एकदम घुटने से उसकी मौत हो गई। लगभग उसकी उम्र है 50 साल की। क्या नाम था जिसका? 48 जफार। आप सर? मेरा नाम सुशील शर्मा, प्रधान सब्जी मंडी। कोई घायल भी हुआ सर इस मामले में? घायल इसमें 3-4 लड़के काम कर रहे थे और तीनों को थोड़ी थोड़ी चोट आई है, बाकी तीनों को चोट आई। लॉकडाउन के चलते जहां प्रशासन जरूरतमंदों की सहायता के लिए काम कर रहा है, वहीं अनेक सामाजिक संस्थाएं भी इस कार्य में पीछे नहीं हैं। मंगलवार को जिला ब्राह्मण विकास परिषद ने भी 31,000 रुपए की सहायता राशि का चेक अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपा। कोविड-19 महामारी के चलते जिले में जरूरतमंदों की मदद के लिए उपायुक्त अजय कुमार और अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार द्वारा की गई अपील पर मंगलवार को जिला ब्राह्मण विकास परिषद के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार को 31,000 रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. कुमार ने चेक भेंट करने वाले सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान अनेक लोग ऐसे हैं जिसके सामने रोजी रोटी का संकट बन गया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा जिला भर में शेल्टर होम की स्थापना की गई है। वहीं दूसरी ओर प्रत्येक वार्ड के हिसाब से जरूरतमंदों का सर्वे करवाकर उनकी सूची तैयार करवाई गई है, ताकि ऐसे लोगों को भोजन मुहैया करवाया जा सके। वहीं लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए भिवानी कोविड रिलीफ फंड की स्थापना भी की गई है, जिसका खाता पंजाब नेशनल बैंक घंटाघर चौक में खुलवाया गया है तथा जिसका खाता नंबर 3296001021652272 है। इसका IFSC कोड PUNB 0392600 है। सादा संपन्न लोग सीधे इस खाते में भी सहायता राशि दान कर सकते हैं और चेक भिवानी लघु सचिवालय स्थित कमरा नंबर 165 में भी दे सकते हैं। रिलीफ फंड में 31,000 रुपये का चेक जिला ब्राह्मण विकास परिषद की तरफ से दिया है और हमारे जो संस्था है हर तरह से इस संकट की घड़ी में देश के साथ है, पैसे के साथ भी शारीरिक रूप से और भी किसी भी प्रकार की प्रशासन को जरूरत रहेगी तो हमारा संगठन तैयार रहेगा। जिला विकास परिषद भिवानी की तरफ से 31,000 रुपये का चेक ADC साहब को दिया गया है और इस संदर्भ में यह संस्था हर तरह से हर सहायता देने के लिए तैयार है और इसमें हम कोरोना वायरस के कारण पूरा देश विकट परिस्थिति में है और जिसके चलते लॉकडाउन भी किया गया है। इस लॉकडाउन में सफाई कर्मचारी सब लोगों की जान बचाने के लिए सफाई अभियान में जुटे हैं। ये सफाई कर्मी क्वारंटाइन आइसोलेट सेंटर जैसे डेंजर जोन में जाकर भी सफाई करते हैं। इन्हीं को सफाई कर्मचारियों को फूलों से सम्मानित करके नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने इनका हौसला बढ़ाया। मंगलवार को नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने सफाई कर्मचारियों को फूलमाला पहना व 11,000 रुपए की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। वह मौके पर मौजूद व्यक्तियों ने सफाई कर्मचारियों पर फूलों की बारिश कर उनके हौसले व मेहनत को सलाम किया। वहीं नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने कहा कि संकट की इस घड़ी में नगर परिषद के 350 कर्मचारी अपने बच्चों व परिवार को संक्रमण होने की परवाह किए बिना शहर को स्वच्छ बनाकर कोरोना वायरस से लोगों की जान बचाने में लगे हैं। सभी कर्मचारी 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यहां तक कि सरकारी अवकाश के दिन भी कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है। इसके साथ ही चेयरमैन ने कर्मचारियों को खुद के बचाव के लिए मास्क, सेफ्टी किट व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का आह्वान भी किया। जहाँ पूरी दुनिया अपने घर में बैठी, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रही है, चाहते ना चाहते हुए लोग अपने घर में बैठे हैं, ऐसे में हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी पे बने हुए हैं और सलाम करते हैं हम ऐसे सफाई कर्मचारियों की मेहनत का। और आज इन्हीं सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने उनका उत्साह वर्धन करने के लिए उनको सम्मानित किया है। तो चलिए बात करते हैं रण सिंह यादव जी से। सर बताइए। देखिए सफाई कर्मचारी नहीं, हमारे सफाई सैनिक हैं जिनको यह कहना आज के दिन पूरे भिवानी शहर के अंदर जो सफाई का कार्य चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो आपके चैनल के माध्यम से भी दिखा सकते हो लोगों को, कितनी साफ सफाई पहले भी नहीं होती थी जितनी आप हमारी सफाई सैनिक करने लग रहे हैं। हमने इनकी ध्यान रखते हुए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको सैनिटाइजर, मास्क सभी चीज़ उपलब्ध करा रखे हैं और आज इनका उत्साह और जानकारी के लिए नगद 500 रुपये सभी को नगद अपने पर्सनल कोच से इनको देने का कार्य किया है और मैं इनसे भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ये कार्य करते रहें और इनके स्वास्थ्य ठीक रहे।
ताकि ये लोगों की और बढ़ चढ़ कर, हमारे 350 सफाई कर्मचारी तो एक ड्यूटी पर हैं और जो दूसरे ठेकेदार के थ्रू लगा रखे हैं वो भी कार्यरत हैं, तो हम जो हमारे परमानेंट जो स्टाफ है लगभग ये पूरे शहर के अंदर ये कवर कर रहे हैं। आउटर वार्डों में हमारे जो दूसरे ठेकेदार के थ्रू सफाई कर्मचारी है वो कार्य कर रहे हैं। और अब तो आप लोगों को यह भी पता लग गया कि जो भी अगर और आगे कुछ कोरोना से कोई पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी हमारे सफाई कर्मचारी जाके उसका दाह संस्कार करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, तो हमारे को जो जिम्मेवारी मिली है नगर परिषद को, हम हमारे सफाई कर्मचारी इसको बहुत बखूबी से निभाएंगे। तो औसतन कितना टन कचरा जो है डेली का भिवानी से उठ रहा होगा? डेली का हमारा लगभग 10 टन कचरा अब हम उठाने लग रहे हैं भिवानी शहर से। अभी डोर टू डोर कलेक्शन में थोड़ी हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी हम जैसे थोड़ी स्थिति सामान्य होते ही हम डोर टू डोर कलेक्शन दोबारा से फिर शुरू करते हैं। चलिए, देखा आपने सुना जैसे कि रणसिंह यादव जी ने बताया कि किस तरह से सफाई कर्मचारी निरंतर अपनी ड्यूटी में बने हैं, और हम स्वागत करते हैं रणसिंह यादव जी की इस पहल का कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। लॉकडाउन के चलते पूरा पुलिस विभाग पूरी ईमानदारी और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मंगलवार को पुलिस कर्मचारियों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए रिटायर्ड पुलिस कर्मी एसोसिएशन ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को फल वितरित किए। कोरोना जैसी महामारी के चलते पूरे देश में प्रधानमंत्री के आदेशानुसार लॉकडाउन किया हुआ है। इसमें पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स एवं अन्य सामाजिक संगठन इस देश में संकट के समय जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वायरस की चेन तोड़ने में लगे हुए हैं। वहीं रिटायर्ड पुलिसकर्मी एसोसिएशन के प्रधान पूर्व SHO श्री कृष्ण ने बताया कि इस संकट की घड़ी में पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी बड़ी ही सतर्कता और ईमानदारी से निभा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें ड्यूटी के समय अपने खाने व पीने की सुध भी नहीं रहती। इसी कारण आज उन्होंने पूरे जिले में तैनात पुलिस कर्मचारियों को फल वितरित किए तथा बताया कि उनके लिए हर रोज फल वितरित किए जाएंगे ताकि उन्हें अपनी ड्यूटी करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। हम पुलिस ऑफिसर रिटायरमेंट एसोसिएशन भिवानी की तरफ से कोरोना के इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम ड्यूटी पर खड़े कर्मचारियों को अपनी एसोसिएशन की तरफ से 51,000 का फ्रूट बांट रहे हैं। जो भी ड्यूटी पर हैं सभी पर जगह जगह उनके ड्यूटी स्थान पर पहुंचकर यह कार्रवाई की जा रही है। यह कार्यक्रम हमारा पूरे भिवानी जिले में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हर रोज़ हल्का वाइज, जैसे भिवानी, तोसाम, शिवानी, लुहारू, बहल, हर रोज़ जब तक कोरोना नहीं भाग जाता तब तक ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। लॉकडाउन के दौरान भिवानी हलचल की टीम आपको समय समय पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों के हालात दिखाती रहती है। इसी कड़ी में आज के हालात क्या थे, चलिए आपको दिखाते हैं। और क्या कहना है शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों का लॉकडाउन में आप लोगों के लिए, आप खुद ही सुनिए। आम जन के लिए भी ये मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से काम चला, उनकी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते आप देख रहे हैं भिवानी में घंटाघर के नज़दीक जो बैंक हैं सभी बैंक के सामने लंबी लाइन। हालांकि पुलिस बड़ी मुस्तैद है और मुस्तैदी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग में अपना पूरा पूरा रोल निभाते हुए ये पुलिस पर्सनल सभी लोगों को 1 से 2 मीटर तक की दूरी पर खड़ा कर रखा है। अनेक बैंक जिनके सामने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने बैठ जाते हैं सुबह सुबह, और चारों तरफ आप देख रहे हैं तो दिन रात ही पहरा दे रहे हैं कि किसी भी तरह से कोरोना का संक्रमण हमें किसी भी तरह से कोरोना के संक्रमण की तरफ में नहीं आना है, और इसे लेकर हर बैंक के सामने पुलिस पर्सनल और लोग जगह जगह खड़े हैं, दूरी बनाए। भिवानी पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान रख रही है और मुस्तैदी के साथ लोगों को जगह जगह काफ़ी गैप में रख रखा है, 1 से 2 मीटर के गैप में, और जिसके चलते यहाँ किस तरह की ड्यूटी निभाई जा रही है। चारों तरफ घंटा के आसपास पुलिस पर्सनल सभी बैंक्स के सामने, हम बात करना चाहेंगे इंद्रपाल जी से जो सुबह 10 बजे से पहले से ही यहाँ पर आ जाते हैं और प्रतिदिन बैंक के सामने किस तरह की लोगों की जरूरत, लोगों की सहायता करते हैं, वो उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आइए बात करते हैं इंद्रपाल जी, बताइए आप किस तरह के लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोग मानते हैं कि नहीं मान जाते हैं? मान जाते हैं, लेकिन काफ़ी दर्द के बाद मानते हैं। हम कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस बना के अपने बैंक के काम पूरे करो।
और इसलिए हम लाइन बनवा रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस बनवा रहे हैं एक दूसरे के बीच। लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है, पुलिस पर्सनल बार बार उन्हें बता भी रहे हैं, यही नहीं माइक सिस्टम से भी अनाउंसमेंट भी की जा रही है, जगह जगह जाकर भी और सभी बैंक्स के सामने भी, चाहे वो इंडियन ओवरसीज बैंक हो, केनरा बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक हो। आपका नाम बताइए। अच्छा मुख्य अध्यापक जी, आप किस कार्य से आए हैं बैंक में, कितनी देर से खड़े हैं? मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन इसके चलते लॉकडाउन जैसा कि चल रहा है आप जानते हैं, उसमें ये सुविधा आपको कहाँ तक बिल्कुल गंवार है या नहीं है? ये देखो प्रशासन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन कुछ बैंक वाले थोड़ा कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी कतारें लगी हुई है। महीना यानी कि गर्मी का महीना, अप्रैल का महीना आते ही गर्मी शुरुआत हो जाती है, और जैसा कि कोरोना वायरस के चलते लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा सवाल है कि विटामिन सी खाने से कोरोना खत्म हो जाता है, तो इन्हीं सब सवालों के जवाबों के लिए आज हम शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे हैं, एक वरिष्ठ डॉक्टर के पास। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जेबी गुप्ता से कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या क्या कोरोना के लक्षण रहते हैं। जवाब के लिए हम पहुंचे हैं शहर के जेबी गुप्ता हॉस्पिटल में, यहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर एलबी गुप्ता से, एंड डॉक्टर आशीष मित्तर हमारे साथ है और साथ में है डॉक्टर उदिता गुप्ता। तो सर सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी दीवानी अंचल में, और दिल्ली में आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो लोगों का एक सवाल ये रहता है कि गर्मी बढ़ने के साथ क्या कोरोना कम होगा, ऐसा कुछ होगा? टेम्परेचर का अभी तक कोई ऐसा रेलेवेंस नहीं आया है कोरोना के डिस्ट्रक्शन पे, हमें जो हथियार हम जो आज बरत रहे हैं वो हमें आगे बरतनी पड़ेगी जब तक कोरोना पूरा देश से चला नहीं जाता। तो दूसरा सवाल सर डॉक्टर आशीष आपसे रहेगा कि जैसे लोग आजकल कह रहे हैं कि विटामिन सी खाने से जो है कोरोना कम हो जाता है, तो विटामिन सी का कितना असर रहता है? मैम एक्चुअली ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे कि विटामिन सी खाने से हमारा कोरोना कम हो जाए। हाँ विटामिन सी जैसे पहले शरीर में हेल्पफुल होता था वो इम्यूनिटी बूस्टर में हेल्पफुल हो सकता है, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है कि हम कोरोना वायरस के लिए विटामिन सी प्रोटेक्टेड है। हाँ हमें विटामिन सी शरीर के लिए जैसे पहले जरूरत थी उस हिसाब से जरूर लेना चाहिए विटामिन सी। एक हमने ये भी सुना है कि लोगों के सवाल आते हैं कि इम्यूनिटी पावर अच्छी होने से हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल मैम ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसे कहा जाता है कि जो बूढ़े लोग हैं 60 साल से ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज है, कैंसर है, उनकी बॉडी के अंदर शक्ति नहीं है कोरोना से लड़ने की जो कि यंग बंदों में है, तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हमारे इम्यूनो बूस्टर्स हम लेते रहेंगे तो कोरोना को फाइट करने में हमें सहायता मिलेगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा विटामिन सी जैसे हम रेगुलरली पेशेंट्स को देते हैं, और हम बाकी जो इम्यूनो बूस्टर्स हैं जैसे सेप्टेलिन आता है और भी आयुर्वेदिक चीजें हैं जो हमारे पूर्वज बोल के गए हैं, अगर हम उसको लेते रहें कोरोना से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उसको फाइट करने में हमें काफी फायदा। एक सवाल ये भी है कि जैसे कहते हैं कि अखबार छूने से या नोट जो करेंसी है सिक्के हैं नोट उनको छूने से भी कोरोना फैल सकता है? यस मैम बिल्कुल फैल सकता है अगर उसका एक टाइम पीरियड होता है 72 घंटे से 4 दिन या 24 घंटे तक, जिस हिसाब से वो अलग अलग सरफेस पे अलग अलग टाइम तक वो जिंदा रहता है वायरस, अगर आपने और मैंने वो छू लिया तो हमें हो सकता है, इसलिए बार बार बोला जाता है अपने हाथ रेगुलरली धोएं, अपने मुँह पे हाथ ना फेरे, इसलिए ये बोला। डॉक्टर आशीष आपसे पूछना चाहूंगी कोरोना के जनरल सिम्टम्स क्या है? कोरोना एक्चुअली एक वायरस है, जो वायरल फीवर के सिम्टम होते हैं कोरोना के भी वही सिम्टम है, जैसे हेडेक हुआ, माइल्जिया हुआ, नाक बहना हुआ, गले में दर्द हुआ, कोई स्पेशल सिम्टम मैम एक्चुअली इट इज अ वायरल फीवर ही है, तो कोई स्पेशल सिम्टम इसके कुछ नहीं है, जनरल वायरल फीवर की तरह ही इसके सिम्टम आते हैं। तो सर आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अब लॉकडाउन खुलने के बाद, अभी तो लॉकडाउन है प्रधानमंत्री जी ने जैसे कि किया हुआ, तो काफी लोगों जो पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद अब लोगों के लिए क्या प्रिकॉशंस देना चाहिए, क्या सलाह देना चाहिए? लॉकडाउन खुलने के बाद मैं भी ये अभी भी ये कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, जो ऊपर से डायरेक्शंस आई हैं उनको मेंटेन करें, लॉकडाउन जैसे भी खुलेगा हमें ये सारी प्रिकॉशन जब तक लेनी पड़ेंगी जब तक कोरोना बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि ये दोबारा भी फैल सकता है, हमें इसके साथ और लड़ना है और अभी तो हमारी जंग शुरू हुई है, हमें अंत तक इसके साथ लड़ना है। जी डॉक्टर उदिता मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप क्रिटिकल केयर यूनिट संभालती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पेशेंट को कोरोना वायरस अगर इन्फेक्ट होता है तो एक क्रिटिकल स्टेज में जाने से पहले पेशेंट को क्या प्रिकॉशंस और क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं उसमें? टाइमली आपका सिम्टम्स चेक हो जाए, टाइमली हम आइसोलेट हो जाए, टाइमली हम जो एंटीवायरल ड्रग्स और हमारे को हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो दे रखा है उसको स्टार्ट कर दें, एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाए पेशेंट की, एंड पेशेंट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन,
एमके अगर कोमोर्बिडिटीज हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता है सो दैट वो आगे जाके किसी क्रिटिकल स्टेज पे ना पहुंच पाए। सर एक सवाल और है, जैसे कहते हैं कि फलों और सब्जियों को लाते ही साबुन से धोना चाहिए, ये कितना सच है? हम जनरली हम धोते भी हैं, आजकल कीटनाशक वैसे भी आ जाते हैं और वो सौ तरह के हाथों से आई होती है, किसान ने निकाली होती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है, फिर वो आपके पास सब्जी वाले के थ्रू आती है, तो काफी लोग उसको छू चुके होते हैं, तो उसको अच्छी तरह साफ धो के फिर ही खाना चाहिए, नहीं तो कोरोना ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी जो कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में जैसे घोषित हो चुकी है, तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि लॉकडाउन को पूरा सहायता दें, पूरा उत्सुकता से लॉकडाउन के लिए काम करें और अपने घर पे ही रहें, कुछ भी काम करें हाथ धो के करें, मास्क वगैरह पहन के रखें, अगर बाहर जाते हैं तो यही एहतियात बरतें, इसी में ही हमारी भलाई है और समाज की भी। एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा 25% हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रिजर्व किया गया है, तो आपके यहाँ क्या आपने तैयारियां की हुई है? मैम हमारे पास आइसोलेशन रूम नहीं है उतना बड़ा कि जितना रिक्वायर था, तो हमने अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को ऑफर करी है, उन्होंने अपना एक सेंट्रल आईसीयू बनाया है सिविल हॉस्पिटल में, हम तीनों वहाँ ड्यूटी करने जाते हैं जैसे हमारा रोस्टर है, आगे भी हम ड्यूटी करते रहेंगे, हम इतनी सहायता कर सकते हैं, अगर हमारे से और कुछ बन पाएगा तो हम बिल्कुल करेंगे, हमने अपने हॉस्पिटल के मॉनिटर्स वेंटिलेटर्स और इन्फ्यूजन पंप वहाँ रखवाए हैं सिविल हॉस्पिटल में, अगर हमें और कुछ भी हेल्प करनी पड़ेगी तो हम बिल्कुल करेंगे। तो आप रूटीन में ओपीडी का क्या रहता है, आपका ओपीडी आप ले रहे हैं यहाँ पे? मैम नॉर्मल ओपीडी हम बंद नहीं कर सकते, किसी पेशेंट को सिक है और भी तरह की बीमारियाँ होती हैं सिर्फ कोरोना को छोड़ के, किसी के छाती में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, हम सारे मरीज इमरजेंसी बेसिस पे देख रहे हैं, और कोई नॉर्मल पेशेंट है जो काफ़ी टाइम से नहीं दिखा के गए हैं उनको भी देखना है, हम उनको नहीं छोड़ सकते। जी सर शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एबी गुप्ता, डॉक्टर आशीष मित्तल और डॉक्टर उदिता गुप्ता, जो लोगों के सवाल हमारे पास आए थे आज हमने उन सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से लिए हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हैं कि पूरे देश भर में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें सभी बाजार बंद हैं, स्कूल बंद है, लोग अपने अपने घरों में हैं अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन ऐसे में बैंक कर्मी, मीडिया कर्मी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और अपनी ड्यूटी कर रहा है। ऐसे ही हम बात करते हैं सफाई कर्मचारियों की, जो कि पूरे जज्बे के साथ लॉकडाउन के चलते भी आपके शहर को पूरी तरह से साफ रखने में अपना सहयोग दे रहे हैं। हम भिवानी हलचल की टीम सलाम करती हैं सफाई कर्मचारियों को भी, और अपने शहर में क्या है सफाई व्यवस्था, कितना टन कूड़ा रोज उठ रहा है, कितने कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, चलिए आपकी बात कराते हैं पुरुषोत्तम दानव जी से, जो कि नगर पालिका कर्मचारी संघ के सचिव हैं। तो पूछना चाहूँगी कि यहाँ अभी जो लॉकडाउन के चलते कितने कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी? देखिए मैडम, लॉकडाउन के चलते हुए हमारे जो नगर पालिका के सफाई जो कर्मचारी हैं वे 350 के लगभग कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, और शहर में 15 ट्राली कूड़ा रोज का निकलता है, और जब लॉकडाउन ना था उससे पहले एक ट्रैक्टर चार ट्रॉली गिरा करता, तो 5 ट्रैक्टर चल रहे थे हमारे। तो मैं धन्यवाद कहूँगा पहले तो भिवानी हलचल का कि उन्होंने जो सफाई कर्मचारी है उनकी सुध ली, और जो अपना नैक नीति से जो सफाई कर्मचारी हमारे लग रहे हैं पूरे शहर के अंदर सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है, और साथ ही साथ हमारा सफाई का कार्य चल रहा है। तो डेली कितना टन कूड़ा लगभग आप उठा लेते हैं यहाँ से? देखो मैडम टन का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन 15 ट्राली डेली की शहर से बाहर जाती है कूड़े की। तो जैसे सैनिटाइजेशन भी आप कर रहे हैं, तो सैनिटाइजेशन के लिए आपकी क्या प्रक्रिया रहती है, आप कितने दिन में सैनिटाइज कर रहे हैं शहर को, या आपने कैसे अलग अलग क्षेत्र बांटे हुए हैं उनके बारे में कुछ बताइए? पहले जो प्रतिक्रिया चली थी वो एमसीओ के थ्रू चली थी, उसमें एमसीओ ने खुद करवाया था, लेकिन अब जो छिड़काव का जो शहर के अंदर है वो तीसरा दौर चल रहा है, वो अब हमारा ऑफिशियली सिस्टम से चल रहा है। हमने जो रोहतक रोड पर जो भिवानी वाले का वार्ड है वहाँ से शुरू किया था, और उसके आसपास के सभी क्षेत्र लेते हुए, और सिटी भिवानी तक आज हमारी टीम पहुँच गई है जी। इसके चलते हुए सभी शहरवासियों से ये अपील करूँगा कि जो लॉकडाउन के दौरान जो घरों में रहे अपने, और किसी एक दूसरे को टच ना करें, और समय समय पर अपना हाथ धोते रहे। हम अगर जो इस बीमारी से बचें घर के अंदर रहेंगे तो इस बीमारी से हम बचेंगे, अन्यथा यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको लग जाए तो उसकी जान लेकर छोड़ती है। उसके बाद में भी हम परमात्मा से अपील करेंगे कि इस बीमारी को देश से और प्रदेश से और पूरी दुनिया से जल्द से जल्द समाप्त करें। जी 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 जी, चलिए देखा आपने कि किस तरह से सफाई कर्मचारी इस टाइम पे भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और आप लोगों के आसपास के एरिया को साफ कर रहे हैं, शहर को साफ रखने में पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। केशव भाटी के साथ प्रिया सीजा। पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन है, और आज हम हैं भिवानी के रेलवे स्टेशन पर। भिवानी का रेलवे स्टेशन ये वो जगह है जहाँ आम दिनों में इतनी भीड़ रहती थी, लोगों के पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी, हज़ारों यात्री यहाँ आना जाना लगा रहता था, और कितनी ट्रेन्स यहाँ से जाती थी, लेकिन आज यही जगह है
जो बिल्कुल सुनसान है, यहाँ किसी कोई भी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं भिवानी जंक्शन में लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है। जैसे कि आप सबको पता है कि रेलवे भी बिल्कुल बंद है, रेल सुविधाएं बिल्कुल ठप हो रखी हैं, तो इसी लॉकडाउन के चलते रेलवे के क्या प्रबंध हैं, सुरक्षा प्रबंध हैं, इनको जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं जीआरपी चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार जी के पास। सर, सबसे पहले आप बताइए कि जैसे कि लॉकडाउन के चलते रेलवे ने क्या सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं? ऐसा जी, यहाँ पर हमने अलग अलग 3 शिफ्टों में नाका ड्यूटी लगाई हुई है रेलवे की सुरक्षा के लिए, या जो प्रवासी व्यक्ति हैं कोई लाइन लाइन आता है तो उनको रोक कर शेल्टर होम में छोड़ा जाता है। एक नाका हमने लगा रखा है मेम रोड पर फाटक के पास में, और दूसरा यहाँ पर रेलवे स्टेशन का एरिया जिसमें प्लेटफार्म ड्यूटी भी करते हैं और नाका ड्यूटी भी करते हैं। जो कोई भी ऐसा व्यक्ति, संदेह जनक व्यक्ति या कोई ऐसा प्रवासी व्यक्ति आता जाता हो तो उसको शेल्टर होम में छोड़ा जाता है, चाहे पानी उसको पिलाया जाता है, उसको समझा जाता है भाई लॉकडाउन के दौरान आप इधर उधर मत घूमो, अपने एक जगह पर रहो। तो सर, जैसे लॉकडाउन 14 तारीख तक है, इसके बाद लॉकडाउन खत्म होते ही हमने सुना है कि रेल सुविधाएं स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए आपके क्या, आपने रणनीति तय की हुई है? उसके लिए तो रणनीति जो पहले ड्यूटी होती थी उसी तरह ड्यूटियां चलेंगी, और तो जैसे ड्यूटी पहले होती रही गाड़ी चलती थी उस दौरान जिस गाड़ी में गश्त है गश्त भेज देंगे, और जो प्लेटफार्म ड्यूटी प्लेटफार्म ड्यूटी लगाएंगे, अगर सब शिफ्टों के हिसाब से ड्यूटी लगाई हुई है सभी कर्मचारियों के। तो लॉकडाउन के चलते आप जो भिवानी की जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे? भिवानी जनता ये अपील है भाई, लॉकडाउन है इस अपने घर पर रहो, घर से बाहर ना निकलो ताकि बीमारी आगे ना फैले, इस पर कंट्रोल हो सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार उनकी पालना करो, बार बार ये इनको समझा जाता है। रेलवे सुविधाएं जो है वो बंद की जा चुकी है, और अभी जो हमारे पास सवाल आ रहा है कि 15 तारीख से रेलवे अपनी सुविधाएं आम यात्रियों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, इसी सवाल के जवाब के लिए हम आज पहुंचे हैं भिवानी रेलवे जंक्शन पर स्टेशन अधीक्षक जी के गुप्ता जी के पास। चलिए आपका सवाल का जवाब जो है इन्हीं से ही लेते हैं। सर, हमारे पास जो लोगों के सवाल आ रहे हैं कि 15 तारीख से रेलवे की बुकिंग स्टार्ट हो रही है, जो रिजर्वेशन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आमजन को? अभी हमारे पास जो रेलवे काउंटर है वो अभी उसके आदेश नहीं आए, कब 15 से खुलेंगे आदेश आने के बाद आपको बताया जाएगा। तो सर, ऑनलाइन बुकिंग अभी चल रही है? ऑनलाइन का तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, ये वो पब्लिक खुद देखेगी, खुद करेगी। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास हलचलों पर। चार परीक्षाओं के आधार पर होंगे 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, अनुकूल परिस्थितियां होने पर ली जाएंगी विज्ञान की परीक्षा। जिला शिक्षा अधिकारी ने ली बैठक, बच्चों के परीक्षा परिणामों और आगामी क्लासेस को लेकर की चर्चा। लॉकडाउन के चलते शहर में पेयजल सप्लाई की नहीं होगी कोई किल्लत, जन स्वास्थ्य विभाग कर सकता है 200 करोड़ लीटर पानी स्टोर। मंगलवार सुबह सब्जी मंडी में पपीता शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल, पुलिस जुटी जांच में। जिला ब्राह्मण विकास परिषद ने जरूरतमंदों की मदद के लिए दान किए 31,000 रुपए। नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने सफाई कर्मचारियों को फूल मालाएं पहनाकर व नकद राशि देकर किया सम्मानित। रिटायर्ड पुलिसकर्मी एसोसिएशन ने ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मचारियों को किए फल वितरित। भिवानी हलचल की टीम पहुंची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, लॉकडाउन के हालातों पर डाली नजर, गणमान्य लोगों ने की घर में रहने की अपील।
और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।